आज हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉकेट्स एंड ओपनिंग, डिफरेंस बिटवीन पॉकेट एंड ओपनिंग। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बार बार आता है पॉकेट एंड ओपनिंग। ये होता क्या है, ओपनिंग में क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई स्लैब है या आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो अगर एलिवेशन में देखते हैं तो पूरा ये, अगर ये एलिवेशन है और ये प्लान है और पॉकेट सर्कुलर हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है शेप का, तो ये थ्रू आउट ओपन रहता है, ठीक है, आर पर रहता है स्ट्रक्चर के, इसको दिस इज कॉल्ड ओपनिंग, ठीक है। पॉकेट में क्या होता है, सेम लीजिए कोई स्लैब है या कुछ ढंग का आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो पॉकेट जो होगा तो पूरा क्रॉस नहीं करेगा, ये सर कि दिस इज सॉलिड, ये सॉलिड हो गया, ठीक है, सॉलिड पार्ट है और ये ओपनिंग है, इधर से ओपन है। अगर प्लान में देखेंगे तो इस ढंग का दिखलाई देगा, अगर स्क्वायर सब होगा तो कुछ इस ढंग का दिखलाई देगा ये। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये पॉकेट का यूज क्या है, यूज ऑफ पॉकेट, ठीक है, पॉकेट का यूज क्या होता है। तो देखिए 90% केस में अगर ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, थिकनेस वाइज आरसीसी स्ट्रक्चर है, कैसा हो सकता है, ये फाउंडेशन हो सकता है, ये स्लैब हो सकता है, ये बीम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें जो पॉकेट बनता है, मान लीजिए कि इसका थिकनेस सपोज कीजिए कि 500 तो पॉकेट बनेगा, उसका डेप्थ, पॉकेट का डेप्थ बोलते हैं, तो ये 500 से कम रहेगा, 300 हो सकता है, 200 हो सकता है, ये ढंग से हो सकता है, ठीक है। और ये साइज होगा ऊपर का साइज, अगर प्लान में देखेंगे तो ये सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, किसी से मान लीजिए कि स्क्वायर है तो दिखा रहेगा ड्राइंग में 200 square mm, ठीक है, मतलब 200 by 200, ठीक है। अगर सर्कुलर के केस में है, अगर 200 mm लिखा रहेगा, 200 mm डाया, मतलब इसका डाया 200 mm। यूज जनरली क्या होता है इसका, कि पॉकेट जो बना है, ये सपोज कीजिए कि पॉकेट बना है, मैक्सिमम यूज इसका बोल्ट फिक्सिंग के लिए होता है, ठीक है, ये बोल्ट है इतना, ये आरसीसी के नीचे गया है, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट में थ्रेडेड रहेगा, और जब बोल्ट इसमें आ जाता है तो बोल्ट को अलाइन करने के बाद उसको हम लोग आइदर नॉर्मली ग्राउटिंग GP2 से इसको फिल करते हैं। तो GP2 से कब फिल करेंगे इसको, ये कंडीशनल होता है, डिपेंड करता है कि तो बोल्ट का यूज क्या है, ठीक है, इसके ऊपर इक्विपमेंट लगाना है, तो इक्विपमेंट लगाने के बाद GP2 डालना है या GP2 से पहले ग्राउट कर देना है, इक्विपमेंट लगाने के पहले इसको GP2 से फिक्स कर देना है। तो मोस्टली इसका जो अभी टॉपिक जो डिस्कस किए पॉकेट, उसका मैक्सिमम यूज जो है, सो 90% केस में बोल्ट फिक्सिंग के लिए ही किया जाता है, 90% केस में। अदर यूजेज है, ठीक है, ग्राउटिंग के बारे में हम लोग डिटेल्स से देखेंगे कि ग्राउटिंग का स्टेजेज क्या हो सकता है और कितने स्टेज में ग्राउटिंग किया जा सकता है। तो बोल्ट फिक्सिंग के लिए हम लोग पॉकेट का मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, ओपनिंग का बहुत सारा यूज है, ओपनिंग का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो आप देखते रहिए सिविल कंस्ट्रक्शन है आर्किटेक्चर बाय सुजीत सिंह।
बहुत दिन हो गया था तो स्पेसिफिक दिखलाएं। अगले वीडियो में बताएंगे कि पॉकेट अगर फिक्स करना है तो वहाँ पॉकेट फॉर फिक्सिंग पॉकेट रिइंफोर्समेंट, अरे रिइंफोर्समेंट कैसा होना चाहिए, रिइंफोर्समेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, धन्यवाद, देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।